अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अमन सीबर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइन स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस पिक्चर के बारे में जो हमने मिरर कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपने दो स्टाइल से फ़ोटो को क्लिक करवाना है, एक ये वाला स्टाइल से और दूसरा ये वाला स्टाइल, ठीक है। तो इनको हमने पिक्सआर्ट में इंपोर्ट किया है, तो उन स्टाइल में आपने फ़ोटो को क्लिक करवाना है। और ये वाला बैकग्राउंड है, इसको मैंने पिक्सआर्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। तो वो जो मैंने दो पिक्चर है उनकी कट आउट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये दो पिक्चर हैं, इनकी मैंने कटिंग कर ली हुई है। तो इनकी कटिंग मैंने पहले से करके रखी हुई थी। तो अगर आपने मेरी बैकग्राउंड रिमूव वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को ओपन करें और उस वीडियो को देख लें, तो कैसे मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया उसके अंदर। तो बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा सिंपल ड्रा टूल के अंदर। ड्रा टूल पर जाने के बाद हमने ऊपर से जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करना है। एक दफ़ा एम्प्टी लेयर, दो एम्प्टी लेयर बना देनी है। एक एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करके इसको बंद करके ऐड फोटो करना है। तो ये वाली पिक्चर को मैंने ड्रा टूल के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके के साथ, ऐसे, ठीक है। तो लेयर को सिलेक्ट किया, एक दफ़ा साइड पे टैप कर दूंगा इस तरीके के साथ, और इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा कम, क्योंकि हमने नीचे से रिमूव करना है इसको। ऊपर से इसको बंद कर दूंगा और साइड से लूंगा रेज़र और इसको करता जाऊंगा यहाँ से रिमूव। तो इस तरीके के साथ मैंने इसका नीचे से रिमूव कर लिया है। अब आपने क्या करना है, दोबारा लेयर को ओपन करना है और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना है इस तरीके के साथ। अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट किया, ऊपर से मैं ऐड फोटो करूंगा। ऐड फोटो करने के बाद ये वाली इमेज को मैं यहाँ पर लगा दूंगा इस तरीके के साथ, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा इसको सेव और बैक आ जाऊँगा। अब जो इमेज को मैंने सेव किया हुआ है उसको मैं दोबारा पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर लूँगा, और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से कर लूँगा इसको मैं क्रॉप इस तरीके के साथ, ठीक है। तो अब हमारा अगला काम क्या है, ऐड फोटो पर जाना है। ये तीन PNG मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और एक ये दोनों को मैं साइड पे रख दूंगा, और ये जो फूल वाला PNG है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके के साथ, और यहाँ पे लगा दिया। साइड से रेजल को लूँगा और इसको रिमूव कर दूंगा इस तरीके के साथ। मैंने यहाँ पे इसको फूल को लगा दिया। अब उसके बाद ये वाली PNG आपको ऐड करनी है। साइड से आपने जाना है ब्लेंड मोड पर और इसको कर देना है स्क्रीन और क्लोज कर लेना है। साइज इसका छोटा करके इसको यहाँ पे लगा देना है और रेजर को पकड़ना है और इसको रिमूव करते जाना है नीचे से। डन किया है तो ये लग गया। उसके बाद एक और PNG मैंने यहाँ पे ऐड की थी, इसको आपने क्या करना है, क्रॉप करना है, और ये वाली जो PNG है इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। फिर ब्लेंड मोड पे जाना है, स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे इसको लगा देना है इस तरीके के साथ, ठीक है। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको कर दूंगा डन। अब जितनी भी PNGs हैं बैकग्राउंड की, ये वाली, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल इसको कर दूंगा यहाँ से सेव और Lightroom में इंपोर्ट कर दूंगा। मैं गैलरी में आ चुका हूँ और इधर से मैं कर दूंगा इसको सेंड Lightroom के अंदर। तो Lightroom को कर लिया मैंने ओपन। आपने सिंपल क्या करना है, सन वाले ऑप्शन पे आना है, एक्सपोजर को कर देना है यहाँ से कम, कंट्रास्ट को कर देना है ज़्यादा, हाइलाइट्स हैं हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा, शेडो को कर देना है कम, वाइट्स हैं वाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद ब्लैक्स हैं ब्लैक्स को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से कम। तो अगले ऑप्शन पर आता हूँ, यहाँ से वाइब्रेंस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, मिक्स कलर है ऊपर से।
मिक्स कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आना है ऑरेंज कलर पे, ठीक है। इसकी सैचुरेशन को कम करना है और ल्यूमिनेंस को ज़्यादा करना है, इससे आपका फेस है ना जो वाइट हो जाएगा। येलो कलर को सिलेक्ट किया, येलो कलर को कर लेता हूँ मैं यहाँ से माइनस, ल्यूमिनेंस को इसकी को भी माइनस, ठीक है। और रेड कलर को सिलेक्ट किया, लास्ट वाले भी इसकी सैचुरेशन कर देना ज़्यादा, ताकि लिप्स और जो फूल का कलर है वो तेज़ हो जाए ज़रा। डन किया ऊपर से। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे टेक्सचर है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना, क्लैरिटी है क्लैरिटी को भी थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद विग्निटी को थोड़ा सा कम कर देना इस तरीके के साथ। अगला ऑप्शन है शार्पिंग, शार्पिंग वाले को आपने कर देना है 23 तक, तो डन किया यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी देखे फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मिरर कॉन्सेप्ट जो पिक्सआर से जब मैंने इसको इंपोर्ट किया था लाइट रूम के तो ऐसी थी, जब मैंने इसकी कलर ग्रेडिंग कर ली लाइट रूम के अंदर तो ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।